हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन टाइम। आप आज मैं ये हिंदी सेकंड क्लास की हिंदी वन है, तो मैं आज आपको ये चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाली हूँ, अपना काम स्वयं करो। देखो, ये इसमें चैप्टर में लिखा है, अपना काम स्वयं करो। सो देखो, ये अपना काम स्वयं करो। किसान के बेटे और गौरैया की ये कहानी सबके लिए एक सीख है। अपना काम खुद करो, करने से ही काम पूरा होता है, इसलिए अपना काम स्वयं करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। ओके, हेलो। हाँ तो बच्चों देखो, एक थी गौरैया, वो हर साल नीम के पेड़ पर घोंसला बनाती थी। इस साल नीम का पेड़ आंधी से गिर पड़ा, तो गौरैया ने किसान के खेत में अरहर के पौधों के बीच छोटा सा घोंसला बनाया और उसमें अंडे देकर सेने लगी। सेने मतलब उनके ऊपर बैठकर उनको गर्म करने लगी। इधर अरहर के खेत में फलियां लग गईं, उधर घोंसलों में से अंडों से चूजे निकल आए। छोटे छोटे चूजे कौन, अंडों में से कौन निकले? छोटे छोटे गौरैया के बच्चे। तो गौरैया उनकी खूब देखभाल करती, आसपास से कीड़े मकोड़े पकड़कर लाती। बच्चे मुंह खोलते तो वह अपनी चोंच उनके मुंह में डालकर उन्हें खिलाती। बच्चे कुछ बड़े हो गए, गौरैया उन्हें समझा कर जाती कि देखो बच्चों, ये गौरैया है, इसका पिक्चर है। ये अपने बच्चों को देखो समझा रही है, कुछ खिला रही है। तो ये अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। घोंसलों से बाहर ना घूमें और खतरों से सावधान रहें। एक दिन की बात है, गौरैया लौटी तो बच्चे डरे हुए थे। उसने पूछा तो उन्होंने बताया, माँ मुसीबत आने वाली है, हमें आज ही भाग जाना चाहिए। गौरैया ने पूछा, कैसी मुसीबत, हम क्यों भागे? बच्चों ने बताया, आज किसान अपने बेटे को खेत में ला आया था। उसने कहा, खेत में अरहर की फसल तैयार हो गई है, अब कटवानी पड़ेगी। उसके बेटे ने कहा, ठीक है, हम कल अपने पड़ोसियों से कहेंगे, वे फसल काट दें। माँ ने समझाया, तुम चिंता मत करो, किसान की फसल काटने उसके पड़ोसी क्यों आएंगे? गौरैया ने समझाया, नहीं बेटे, जब हम दूसरों से अपना काम करवाना चाहते हैं तो वह पूरा नहीं होता, जब हम काम खुद करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। किसान के बेटे को समझ आ गई है, वह अवश्य आएगा। किसान भी यही चाहता था कि उसका बेटा अपना काम स्वयं करे। तो बच्चों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं यहाँ पे CBSE बोर्ड के लिए 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, और आपको और भी सब्जेक्ट, मैथ, EBS है, GK है, और आपका इंग्लिश है। तो अगर आपको कुछ और देखना है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।